हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल, और बोलने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हो। हमेशा मैं ऐसा बोलती हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हो। तो चलिए, मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है आज, और मॉर्निंग से मेरा रूटीन भी स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए, मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज का दिन। तो 2-3 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाए। 3 दिन कहाँ, कितने दिन हो गया थी मम्मी? 4 डेज हो गए। 4-5 डेज हो गए, पता नहीं क्या हुआ है, वीडियो मेरा बन ही नहीं पा रहा है। क्योंकि तो आप अपसेट थी। हाँ, मैं थोड़ा अपसेट थी और अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था। तो आज सोचा कि चलो आप लोगों से कनेक्ट हो जाती हूँ तो सारी अपसेट उड़मछू हो जाएगी, है ना। तो अतिथि ने बोला मम्मा आप वीडियो बना लो और सबसे कनेक्ट हो जाओ, सबके साथ बातें कर लो, तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। तो मैंने बोला चलो आज थोड़ा सा गार्डन में भी घूम के आते हैं और सारा सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए सुबह की चाय बनाते हैं, नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी बॉईल करने को रख दिया है, मतलब बिसलेरी पानी को थोड़ा सा गर्म करूँगी। आंवला जूस बनाने के लिए ग्लास रेडी है, यहाँ मेरी प्लेट रेडी है, जय के लिए भी चाय का कप रेडी है। तो बस इस ये होने के बाद चाय बनाएंगे। और आंवला जूस, जैसे आप जानते हो, इम्यूनिटी बूस्टर है और रोज़ मैं अतिथि को पिलाती हूँ। चाय की तैयारी, और ये अदरक वाली चाय ना मुझे कभी भी पसंद नहीं थी, पर अब क्या क्या सिखा दिया है कोरोना ने, पता नहीं। तो चाय एक साइड चढ़ गई है मेरी, इसमें डालेंगे चाय मसाला और इसे अच्छे से खौलने देंगे। यहाँ पे नाश्ते के लिए खारी निकाल लिया है, ये है मेरी बीपी की गोली, और बस ये सब कुछ तैयारी कर ली है मैंने। और सुबह सुबह बहुत काम बढ़ गया है, कल पानी नहीं था ना गाइस, तो कुछ भी काम नहीं कर पाई, पर आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। तो इस तरह सुबह सुबह फिश वाली आती है और उसके पास बहुत अच्छी अच्छी मच्छी है, लेकिन मैं तो अब खाती नहीं हूँ, पहले खाती थी तो अब तो बंद हो गया है। उसके पास देखा कैसे चिल्ला रही है, उसके पास कोल भी है, बोमबिल है और पापलेट है, पर बहुत ज़्यादा महंगा होगा गाइस, मैं तो खाती नहीं, ना ही मैं घर में बनाती हूँ आजकल। रुकी है वो मच्छी वाली, यहाँ नेट लगी है इसलिए आपको प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा होगा। इस डब्बे में से मैंने निकाली है शक्कर। आप बोलोगे मैंने इतनी सी क्यों निकाली है, क्योंकि ना हम लोग एकदम फिक्की चाय पीने लगे हैं, पर जय क्या करते हैं, उनकी चाय में आके शक्कर डाल लेते हैं, तो ये वाले डब्बे में मैं ज़्यादा निकालती ही नहीं हूँ, क्योंकि निकालूंगी तो वो डालेंगे ना। ये मैंने अभी की चाय के लिए और दोपहर की चाय के लिए उतना ही शक्कर निकाला है, ये वाला डब्बा जय को पता ही नहीं है कि इसमें शक्कर भर के रखी है। तो ये चीटिंग करना पड़ रही है मुझे, अब क्या करें, वो उनको शुगर है और वो ज़्यादा शक्कर, बहुत बहुत शक्कर डाल के पीते हैं चाय। गुड मॉर्निंग। तो अतिथि भी आ गई है मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए, और अतिथि ने बोला वीडियो बनाओ मम्मा। मम्मी अपसेट थी तो मैंने बोला चलो इनसे कनेक्ट होते हैं, वीडियो बनाते हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा। और मैंने ही मम्मी को थोड़ा अपसेट कर दिया था, क्योंकि मैं, आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में, थोड़ा मैं अपसेट हो गई थी लोगों के बिहेवियर को लेके, बट अभी आई एम फाइन, क्योंकि वर्ल्ड ही ऐसा है तो अभी कुछ नहीं कर सकते, तो हमें भी उसी तरह से अडेप्ट होना पड़ेगा। तो मैं अच्छी हूँ, पर मम्मी को बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने बोला अब चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे अपसेट बहुत दिन हो गया। और आप सब भी कमेंट कर रहे थे कि हमारे गार्डन में क्या हुआ है, मतलब कुछ प्लांट्स पे क्या चेंजेस हुए, हाँ, कितना क्या। और आपको पता है हमारे टमाटर के झाड़ बहुत बड़े हो गए, और इसके भी ना करेले के बहुत अच्छे हुए, तो अभी आपको अपडेट्स भी देंगे उसपे, और उसमें फ्रूटिंग होगी तो जरूर से आपको बताएंगे, पर अभी फ्रूटिंग जितना नहीं हुआ है, बट हमें बहुत खुशी अभी है तो कि बच्चु, वो बड़े हुए बच्चू है, बहुत बच्चू है, पर ऐसा लगता है कि बाप रे प्लांट बड़े होते थे, ऐसे लगते हैं कि अपना बच्चा बड़ा हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है देख के। तो चलिए आप भी प्लांटिंग में इन्वॉल्व होइए, अगर आपको ऐसा बहुत खुशी मिलती है गाइस, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है।
और पार्लर तो मैं नहीं जा रही हूँ, अभी भी नहीं जाने दे रही अतिथि। और मैं उसे रोज समझा समझा के थक जाती हूँ, पर बोलती है नहीं मम्मा थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ। तो वही चल रहा है। और आज मैं बनाऊंगी अतिथि की पसंद की भिंडी की सब्जी। तो चलिए चल बाबू नीचे चलते हैं, आपको गार्डन अपडेट्स दे देते हैं, फिर किचन लेके जाएंगे जी। तो गाइस अभी थोड़ा सा घर से बाहर निकली हूँ, मोटर चेक कर लेते हैं, मोटर तो अंदर ही है, पानी चेक कर लेते हैं। तो सोचा थोड़ा सा गार्डन का अपडेट दे दूँ आपको, पहले पानी चेक करके आते हैं। ये मेरा कड़ी पत्ते का झाड़, आज मुझे कड़ी पत्ता भी तोड़ना पड़ेगा। और टंकी में देखते हैं पानी कितना है। तो गाइस टंकी में पानी तो है, वाओ। तो चलिए थोड़ा सा कड़ी पत्ता ही तोड़ लेते हैं पहले, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ है कड़ी पत्ता, पर वो थोड़ा पुराना हो गया है, तो इसे हम पहले तोड़ लेंगे। देखिए प्लांट के पास जाओ नहीं ना तो थोड़े से मुरझा जाते हैं, उन्हें भी प्यार की ज़रूरत होती है, पता नहीं क्यों। देखिए इसे मैंने पानी डाला, दो दिन से मैं बाहर नहीं आ पा रही थी, तो अब ये थोड़े से मतलब एनर्जेटिक हो गए हैं। और ये मेरी सदाफुली के प्लांट्स जिसको मैंने काट दिया ना, तो फूल थोड़ा कम आने लगे हैं उसको। और ये तुलसी का कुंडी थोड़ा सा ये हो गया है, एक तुलसी मैंने उगाई है, पर इसकी मिट्टी मेरे को निकाल के अच्छे से करना है, टाइम ही नहीं मिलता गाइस। और पता नहीं गाइस ये ना मैंने शायद कंटोले उगाए थे, कहाँ बटरफ्लाई आया है, तो वो उग निकले हैं। और यहाँ पे मैंने इलायची उगाई थी तो वो भी शायद उग गई है, इसमें करेले उगाए हैं अभी तक उगे नहीं है। ये मेरा पुदीना थोड़ा सा ग्रो कर रहा है, और ये है करेले। तो करेले तो बहुत अच्छे हैं, उसे अब थोड़ा सा कुंडी ला के रखना पड़ेगा, तो इसे थोड़े दिन तो इसी में चलाऊंगी और आपको दिखाऊं मैंने किस तरह से उगाए हैं। थोड़े दिन इसी में चलाऊंगी, उसके बाद जब बाहर जाऊंगी ना तो कुंडी लेके आऊंगी। और ये मेरे फ्लावर्स तो बहुत अच्छे हो गए। आप लोग बार बार बोलते रहते हो ना गार्डन का व्यू दिखाइए, देखिए बटरफ्लाई कितना सुंदर तरीके से बैठा है और मज़े ले रहा है ज़िंदगी के। तो आप लोग के कमेंट्स आते रहते हैं हमेशा कि मुझे आपका गार्डन बहुत अच्छा है, तो गार्डन दिखाते रहिए। तो यही कुछ अपडेट दे रही थी मैं अपने गार्डन के बारे में, और बटरफ्लाई से मेरी नज़र नहीं हट रही है। यहाँ पे उगा है पपीते का झाड़, और ये सदाफुली के झाड़ तो ऐसे ही बहुत उग गए हैं, फ्लावर्स तो बहुत ब्लूम कर रहे हैं, माय गॉड। और आप पूछ रहे थे ना अनानास का झाड़ कितना ग्रो हुआ, तो इतना हुआ, ये मैंने अरवी लगा दी थी तो वो भी अच्छे से बढ़ रही है। और वहाँ पे मेरा नींबू का झाड़ है, पर वो थोड़ा सा ये हो रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ है उसकी। यहाँ पे लहसुन उगाए थे तो लहसुन उग निकले हैं। ये मेरा प्यारा सा पौधा है, कुछ एक स्नेक प्लांट्स और वो सब है। तो फ्लावरिंग्स तो अभी नहीं हो रही है गाइस, पर वो वाले प्लांट में बहुत फ्लावरिंग्स हो रहे हैं, देखिए। ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड। मेरे टमाटर के पौधे ग्रो कर लिए हैं, तो इसे अब कुंडी लाऊंगी तभी मुझे इसको उगाना पड़ेगा, उसे सपोर्ट देना पड़ेगा। ये सब सोचती हूँ मैं अपने बालकनी में रख दूँ तो मैं रोज़ बाहर जाके देख भी सकती हूँ, इनसे मिल सकती हूँ। तो गाइस ये तो था मेरा बाहर का टूर गार्डन का, चलिए घर में चलते हैं और घर में क्या बना रही हूँ खाने में वो भी दिखा देती हूँ। तो गार्डन से घर में आने के बाद मैंने ये कुछ मसाले निकाले हैं, ये मैं थोड़ा सा अचार डालने के फिराक में हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा ये मसाले निकाले हैं। अदरक निकाल के रख दिया है, धो के उसको फ्रिज में रख दूँगी चाय बनाने के लिए। और बनेगी भिंडी फ्राई मसाला, तो भिंडी निकाल दिए। गाइस अचार बनाने के लिए इस तरह से मिर्ची काट लूँगी, थोड़े से मैंने लहसुन ले लिए हैं, नींबू को काट के इसको हल्दी और नमक लगा के रख दूँगी। इस तरह से डंठल निकाल के मैं साफ़ कर रही हूँ, करके फिर बताती हूँ आपको। तो इस तरह से मैंने टपरवेयर के डब्बे में इसमें हल्दी नमक लगा के सब कुछ रख दिया है। अब इसे तीसरे दिन मैं इसमें अचार का मसाला डालूँगी और मेरा अचार फिर थोड़े दिन में खाने के लायक हो जाएगा। भिंडी बहुत सारी है और ये ख़राब हो जाएगी, तो तवा फ्राई भिंडी का प्लान कैंसिल हो करते हुए मैं बना रही हूँ भरवा भिंडी, जो फटाफट बन जाएगी। प्लान ना दिन में चार बार चेंज होते हैं खाना बनाने के,
अब मैं भरवा भिंडी बनाने वाली थी, भिंडी काटते काटते मेरे पाँव इतने दुखने लगे खड़े खड़े, अभी तो और काटनी बाकी है, तो मैंने सोचा ऐसे ही तेल डाल के उसे थोड़ा सा तल लेती हूँ। और फिर मसाला तो पीस ही लिया है मैंने, तो ये मसाला उसमें डाल दूँगी तो अच्छे से टेस्ट आ जाएगा। करारी कर लेती हूँ थोड़ी इसको ही। तो सारे प्लान मेरे इसी तरह से चेंज होते रहते हैं। जब मैं पार्लर जाती थी ना गाइस, तभी भी मेरे प्लान इसी तरह से चेंज होते रहते थे। सुबह से मैं सोचती कुछ थी, चार बार मेरे प्लान चेंज हो जाती थी, घर पे आके बनाती कुछ और थी। तो गाइस सुबह से शाम हो गई और हम लोग बैठ गए हैं अपनी गपशप वाली जगह पे, जहाँ पे बैठ के हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और आपको पता है आज अतिथि ने मेरे लिए चाय बनाई थी, और सच में इवनिंग टी, किसी और के हाथ से कुछ भी खाओ पियो ना तो बहुत अच्छा लगता है गाइस, सच में। और अतिथि ने चाय बहुत मस्त बनाई थी, थैंक यू माय डॉली गुचू गुचू। तो ऐसे ही मम्मी आज थोड़ा टायर्ड थी तो मैंने बोला चलो मैं चाय बना लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, हम कभी भी कोई भी काम कर लेते हैं, ये नहीं है, मिलजुल के कर लेते थोड़ा ये थोड़ा वो करके। घर में रहना है तो काम मिल बांट के करना जरूरी हो जाता है ना गाइस, तो थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी गपशप करूं। और सॉरी मैंने मसाला पीसा ना गाइस, मसाला पीसा इन द सेंस सुबह पीसा था आपके सामने, तो वही मैंने उसे मिक्सचर को खाली किया। और उसके बाद मैंने अभी डोसा का आटा रेडी किया है, तो उस इसलिए। और पापा नीचे टीवी देखते हैं या फिर सोते हैं, तो फिर हम दोनों यहाँ गपशप करने लग जाते हैं। क्योंकि फुल डे तो टाइम नहीं मिलता है, सबको अपने अपने काम लगे रहते हैं, लेकिन जब रात को थोड़ा सा टाइम मिलता है ना तो थोड़ी बहुत बातें करनी भी जरूरी होती है, और इसी तरह से आप लोगों के साथ भी बातें करनी जरूरी हो जाती है मेरे लिए। तो मैं भी आ जाती हूँ, सोच रही थी लाइव जाऊं लेकिन नहीं, अभी खाना बनाना लेट है, हो गया हमें थोड़ा। लेट हो, हमें रोज लेट हो जाता है गाइस, हमें रोज इतना लेट हो जाता है, मॉर्निंग में भी लेट होता है ना इसलिए, पर जरूर से हम लाइव आने वाले और आपके लिए सरप्राइज भी है। हाँ सरप्राइज, आप गेस कीजिए और कमेंट कीजिए क्या सरप्राइज हो सकता है गाइस, आप मुझे बताइएगा कि क्या सरप्राइज है। और उसकी सारी प्रिपरेशन अब चलने वाली है कल से, पूरा का पूरा मतलब आपको हर चीज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए अब तो किचन में चलते हैं, रात के डिनर का टाइम हो गया, दिन कहाँ पास हो जाता है पता भी नहीं चलता है, तो जल्दी से किचन में चलते हैं। आज क्या बनाऊं बाबू? आज पता नहीं, आज मैं बनाने वाली हूँ चटपटा सा कुछ, लेकिन सॉस तो है नहीं, तो चटनी बहुत सारा नींबू डाल के चटनी रेडी कर लिया है, तो क्या बनाओगी? मैं ब्रेड पकोड़ा बना रही हूँ। और गाइस मुझे भी ऐसा थोड़ा सा मतलब दाल चावल से हटके कुछ तो भी खाना है, तो मैं भी सोच रही हूँ ब्रेड पकोड़ा ही खाने का मन करता है शाम के टाइम, एक टाइम थोड़ा सा चटपटा खाने को दिल करता है, तो वही बनाएंगे। और पूरा खाना खा के भी कंटाला आ जाता है जी, बहुत कंटाला आ जाता है। पापा से भी मिलाती हूँ क्योंकि पापा भी आज फ्री है, तो जरा आपसे बात कर लेंगे। पापा, क्या कर रहे हो आप? अरे मैं वेब सीरीज देख रहा हूँ। कौन सा वेब सीरीज? नागिन और ये हॉस्टेज आया ना पार्ट टू, सेशन टू, बहुत अच्छा है। अच्छा है वेब सीरीज? एकदम अच्छा है, मस्त। अभी सेकंड पार्ट वो दिल्ली का दिखा रहा हॉस्टेज कैसा, उसका बेटी का ऑपरेशन करना, बोन मैरो करना रहता तो सीएम का ऐसे फर्स्ट पार्ट में दिखाया था कैसे हॉस्टेज करते, उसके बाद अभी सेकंड पार्ट वो फंस जाता है तो दवा वगैरह मंगाता है अंदर ऐसा हॉस्टेज के। तो अच्छा लग रहा है वो? अच्छा। तो पापा सब्सक्राइबर्स को हाय बोल दो। हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हो, क्या कर रहे हो आप लोग आजकल, कुछ बताओ आपके बारे में कमेंट्स में बताओ, पापा भी जानना चाहते हैं। आप लोग बताइए प्लीज। हम तो वेब सीरीज देखते बैठ के, हॉस्टेजेस और नागिन जैसे जो भी हॉस्ट आके एक्समैक्स ओरिजिनल, बहुत अच्छे सीरीज है। तो आप लोग भी अगर वेब सीरीज देखते हो तो कमेंट करके हमें भी बताइए कोई अच्छे सजेशन, है ना पापा? के कौन से देख लें, क्या करें, लॉकडाउन में कुछ तो कर दे, टाइम पास तो करना पड़ता है। वही तो सब्सक्राइबर को बोल दो क्या करना है उनको, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। ओके ओके बाय एवरीवन, सी यू।
तो पापा अभी वेब सीरीज देखने जा रहे हैं और मैं आपको लेके चलती हूँ नीचे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं किचन में और स्टार्ट करते हैं ब्रेड पकोड़ा का प्रिपरेशन, डिनर डिनर की तैयारी। और पता है मुझे किचन ना डीप क्लीनिंग करना है, पर टाइम ही नहीं एडजस्ट हो रहा अभी, है। नए नए काम ढूंढने रहती हूँ, बोलती हूँ मैं थक गई। तो चलिए ब्रेड पकोड़ा बना लेते हैं पहले। ये ये क्या कर रही हो मम्मी? चावल साफ किए ना मैंने, तो थोड़ा सा उत्तपा के लिए आटा भिगा दिया है, तो अच्छा पीस ये लेती हूँ इसको मैं और रख देते फर्मेंट होने के लिए। ओके। तो गाइज ये ब्रेड पकोड़ा के लिए पकोड़े का मिश्रण मैंने रेडी कर लिया है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, नमक डाला है, हरा मिर्ची, लहसुन और अदरक का ठेचा डाला है और बेसन बेसन और नमक, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, बस उतना ही डाला है। और क्योंकि ब्रेड में हम लोग अंदर चटनी लगाएंगे और फिर पकोड़े की तरह तलेंगे। सॉस खत्म है, वही बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है गाइस। तो ब्रेड पे इस तरह से चटनी लगाई जा रही है और एक ब्रेड पे हम लोग बटर लगाएंगे क्योंकि अंदर भरने के लिए सब्जी नहीं है। हम ऐसा मसाला वाला मुझे बटर, ऐसा ही खाना था क्योंकि ब्रेड टोस्ट तो खाते रहते हैं ना। इस तरह से चटनी और बटर लगा के हमने रेडी कर लिए हैं। अभी मम्मी इसको बेसन के घोल में डाल के तल लेगी। तो बेसन में डिप करना है ऐसे, सिर्फ बहुत इजी है ये। ब्रेड पकोड़े बन रहे वड़ा पाव वालों के। सुनो एक दिन ना अपन वड़ा भी बनाएंगे, बटाटा वड़ा। आई माय अपन बटाटा वड़ा फेवरेट, तो बनाते ही रहते हैं। बनाते ही रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे बटाटा वड़ा खाने को। हाँ तो गाइस प्लेटिंग रेडी है ब्रेड पकोड़ा की और देखिए कितने यमी यमी लग रहे हैं। गाइस यही था आज का व्लॉग, और कैसा लगा आपको? अच्छा लगा कि नहीं लगा? बाबू आपको कुछ बोलना है? हाँ मुझे ये बोलना है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी मैं लाने वाली हूँ ग्लूकोमीटर के बारे में। हाँ हम लोग का ग्लूकोमीटर आ गया है, टेंटेंट। तो जरूर से मैं लाऊंगी, और जिसको जानना है उसके बारे में वो जरूर से वो वीडियो देखना। और घर में डॉक्टर हो ना तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, और अभी टोचेगी मुझे, कब से मेरे पीछे पड़ी है, पर मंगा लू मम्मी का मंगा वेट लू। लॉस हो रहा है तो मैंने सोचा कि एक ग्लूकोमीटर मंगा गाइस लेती हूँ पता घर में। नहीं क्या हो रहा है, मेरा वजन बहुत कम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों कम हो रहा है। और नो डाउट मुझे काम का बर्डन बहुत पड़ रहा है। पार्लर पे जाती थी तो मुझे आराम था, मैं पार्लर पे जाके थोड़ा बहुत कमाया, थोड़ा बहुत बैठ गए, आराम कर लिया, हो जाता था। पर घर पे रहते ना उतना ही काम बढ़ता है। मैं तो हेड्स ऑफ वो हाउसवाइफ लोगों को कि वो कैसे मैनेज करती थी, मुझे मैनेज करना बहुत तकलीफ हो रही है। मेरे लिए पूरा साइकिल चेंज हो गया है ना, तो मुझसे नहीं हो पा रहा है, और उसी वजह से ना मैं थोड़ा सा अपसेट, डिप्रेस ऐसी रहने लगी हूँ। पर मैं थोड़ा भी अपना डिप्रेशन आपको नहीं दिखाना चाहती हूँ, पर क्या करे, डेली व्लॉग्स बनते हैं और डेली मेरी लाइफ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो यही सब जो मैं फील करती हूँ वही मैं आपके साथ बताऊंगी। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को अब यही एंड करते हैं, और आपको तो पता ही है, अगर आपको अच्छा लगा, आपको हम पसंद आते हैं, तो आप जरूर से लाइक करोगे, शेयर करोगे, शेयर करोगे, कमेंट्स भी करना, और सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, बोलने की जरूरत ही नहीं। और सब्सक्राइब रेड बटन का बटन आप क्लिक करोगे ना गाइस, तो उसके कोई चार्ज नहीं लगते, पर हाँ एक सब्सक्राइबर मुझे मिल जाएगा और ना, हमारी फैमिली भी बड़ी हो और जाती यूट्यूब है। फैमिली बिग हो जाएगी, और हमें ये फैमिली को बहुत बिग करना है। नो डाउट फैमिली बिग हो रही है ऑटोमेटिकली, व्यूज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, पर फिर भी हमें अपनी फैमिली को बहुत बड़ा बनाना है। तो ओके गाइस, तो बाय बाय, लव यू, बाय, टेक केयर, गुड और नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में। बहुत अच्छा सा प्यार सा व्लॉग लेके हम आएंगे आपके लिए। बाय, गुड नाइट।